केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सितोलिया में आजमाया हाथ। सांसद खेल महोत्सव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे सिंधिया। राजनीति के माहिर खिलाड़ी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सिंधिया बचपन में खेले जाने वाले लोकप्रिय ग्रामीण खेल सितोलिया खेलने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सितोलिया खेल में जमकर हाथ आजमाया। यहां आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले वॉलीबॉल खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल को शुरू कराया। फिर कोलारस और शिवपुरी विधानसभा टीम के बीच आयोजित रस्सा कस्सी प्रतियोगिता के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। सिंधिया महाराज ने इसके बाद जूजो कराचे कबड्डी खो खो और सितोलिया के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल हासिल किए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान शिवपुरी विधायक त्रिवेंद्र जैन, कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव, पूर्व मंत्री सुरेश धाकड़ रांठ खेड़ा कि ये संभव नहीं है। अभी गुना में मेरा एक नौजवान लड़का अर्शदीप सिंह क्रिकेट टीम का भाग बन चुका है, तो ये अगर गुना में संभव है तो फिर ये करेरा में संभव है, ये डिंडोरी में संभव है, ये बालाघाट में संभव है, ये बैतूल में संभव है। और जिस तरीके से मैंने अपने बच्चियों को कराटे में, जूडो में खेलते हुए देखा, चिल्लाते हुए, वो भी उसी खेलकूद की भाषा में, बहुत मुझे खुशी हुई। और शिवपुरी और कोलारस के बीच में रस्सा कस्सी में एक तरह से खींचे जा रहे हैं तो दूसरे तरह से चिल्लाते जा रहे हैं, सारे दर्शक भी चिल्लाते जा रहे हैं। उतनी ऊर्जा दर्शक ग्राम में भी मुझे दिखी जितने मुझे खेल के मैदान में दिखे। और वो दूसरा खेल जो अभी हमने खेला, जहां वो सितोलिया, जहां मुझे भी खेलने का मौका मिला, और अगले बार मैं कहूंगा मैं भी अपनी टीम को लेके आऊंगा, आप में से किसी को चुन के हम लोग खेलेंगे। पर ये निवेदन मैं करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि ये सांसद खेल महोत्सव के आधार पर, जो कभी भी भारत में संभव नहीं हो पाता था कि भारत के हमारे नौजवान विश्व पटल पर अपनी क्षमता दिखा पाए। खेलो इंडिया, टॉप्स इंडिया की शुरुआत के बाद आज एशियन गेम्स में जो भारत 8, 9, 10 पदक तक सिमट जाता था, इस बार हम 80 तक पहुंचे, 85 तक पहुंचे। लोगों ने कहा कि 3 डिजिट तक नहीं पहुंच पाएंगे, 90 तक पहुंच गए, 95 तक पहुंच गए, और 140 करोड़ देशवासियों ने कहा इस बार तो